हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फास्ट चार्जिंग के बारे में। लोगों के मन में इसके लिए थोड़ी मिस अंडरस्टैंडिंग है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो ये फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, ये क्वालकॉम कंपनी लेके आई थी। और जो अडैप्टर है वो भी ये क्वालकॉम कंपनी ही प्रोवाइड करती है उनमें। और जो स्मार्टफोन हैं जो सपोर्ट करते हैं फास्ट चार्जिंग को, वो भी उनमें भी ये सर्विस प्रोवाइड करती है क्वालकॉम कंपनी जो होती है, यही उनके पास सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि हम मार्केट से नया चार्जर ले आएंगे फास्ट चार्जिंग और वो हमारे मोबाइल को, हालांकि उनके मोबाइल में ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट का ऑप्शन नहीं होता है, फिर भी वो सोचते हैं कि हमारा फ़ोन जल्दी से चार्ज हो जाएगा अगर हम फास्ट चार्जिंग फास्ट अडैप्टर इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप फास्ट चार्जिंग करना चाहते हैं तो आपको एक नया स्मार्टफोन लेना पड़ेगा जिसमें क्विक चार्जिंग का ऑप्शन होता है। दोस्तों, अगर आपका स्मार्टफोन क्विक चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो आप मार्केट से कोई भी चार्जर जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, कोई भी अडैप्टर आप ख़रीद सकते हैं। और बात सारी अडैप्टर की नहीं होती है दोस्तों, जो आपकी यूएसबी केबल होती है वो भी आपके ये फास्ट चार्जर को सपोर्ट करनी चाहिए, तभी आपका फ़ोन फास्ट चार्जिंग होता है। दोस्तों, फास्ट चार्जिंग या फास्ट अडैप्टर आपको मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। फास्ट चार्जिंग की जो वोल्ट होती है वो आपको मिलेगी 5 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट पे। और ये 2 एम्पेयर पे काम करती है, 3 एम्पेयर पे भी अब आ गया है। दोस्तों, जो ये 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर और 3 एम्पेयर होते हैं, इनका काम क्या होता है। दोस्तों, जब आपके मोबाइल की बैटरी बिल्कुल लो होती है तो आप उसको चार्ज लगाते हैं तो वो 0 से 50% तक, मतलब बिल्कुल फास्ट चार्जिंग के हिसाब से मतलब चार्ज होती है। तो उसके बाद जब उससे ज़्यादा होगी, 80 तक आ जाएगी, तो कम टाइम में मतलब ज़्यादा टाइम लेगी। और उसके बाद जब 80 से 90 के बीच में या 90 से 100% तक जब होती है तो वो बहुत टाइम लेती है। तो इसकी वजह से जो 2 एम्पेयर या 1 एम्पेयर या 2 एम्पेयर होते हैं, ये वहीं पे काम करते हैं और उसको फास्ट चार्जिंग करते हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है, अगर आप फास्ट चार्जिंग का इस्तेमाल करते हैं तो वो तभी काम करेगा जब तक आपके मोबाइल जो होता है वो आपका फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तभी इसका यूज़ कर पाएंगे आप। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में यही सब था। आई होप आपको वीडियो में दी गई जानकारी समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों।